पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। हे पवित्र आत्मा के सम्मान से शान से स्वर्ग के सम्मान से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें उसके साय में, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमेन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में है, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं कि तू अनंत तक श्रेष्ठ हैं, प्यार के सुयोग हैं। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया है, हम पापी हैं,
हमें क्षमा कर। आमीन। संत पापा के उद्देश्य के लिए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरा गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरी शरण में हम दौड़ आते हैं हे परमेश्वर की पवित्र माँ, जो विनती हम अपने जरूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन प्रतापी और धन्य कुमारी मरिया हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए, सहायता करो प्यारी माँ कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें, सहायता करो प्यारी माँ कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवे, सहायता करो प्यारी माँ कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आए, सहायता करो प्यारी माँ कि हम पापों में गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें, सहायता करो प्यारी माँ कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाए, सहायता करो प्यारी माँ कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभनों से बचें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें, सहायता करो प्यारी माँ कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण करें और अपना कृत कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें, सहायता करो प्यारी माँ बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में, सहायता करो प्यारी माँ कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सके, सहायता करो प्यारी माँ कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें, सहायता करो प्यारी माँ कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हो, सहायता करो प्यारी माँ हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले, सहायता करो प्यारी माँ हमारे लिए सहायता कर हे नित्य सहायक माता कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे दयालु मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे एकलौते बेटे की माँ बने, हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, और उन्हीं प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। कुछ निवेदन और धन्यवाद। धन्यवाद देता है व्यक्ति जिसका पीठ में बहुत दर्द था, वो ठीक हुआ है। एक व्यक्ति को वीज़ा मिल गया है रिन्यू बहुत समय के पश्चात। प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं। एक व्यक्ति जिनको बहुत दर्द था पीठ में और पेट में, वो दर्द अब ठीक हुआ है। धन्यवाद देते हैं व्यक्ति जिनको इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग था, तो वो अब ठीक हो गए हैं। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं व्यक्ति जिनको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला है। एक व्यक्ति को काम मिला है, उसका इंटरव्यू सक्सेसफुल था, यश ही था, उसको यश मिला है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। देते हैं धन्यवाद एक व्यक्ति जो सुखरूप घर लौट आए हैं। एक व्यक्ति की सर्जरी हुई है और सर्जरी बहुत बढ़िया हुई है, इसलिए वह धन्यवाद देते हैं माता मरियम को और प्रभु को। 5 महीने के पश्चात उनको नौकरी मिली है, इसलिए एक युवक धन्यवाद देते हैं। परमानेंट रेजिडेंसी ऑस्ट्रेलिया में एक व्यक्ति को मिला है, इसलिए वह धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ कुछ निवेदन भी हैं जो माता मरियम प्रभु के चरणों में रखना पसंद करते हैं। एक व्यक्ति चाहता है कि उनका जो
शादी वैवाहिक जीवन है उसमें उनको शांति मिले, अच्छे जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं व्यक्ति, ठीक तरह से उनकी आमदनी उनको मिल जाए इसलिए प्रार्थना करते हैं। एक व्यक्ति उनका पीठ में दर्द है, हाई ब्लड प्रेशर है और साथ ही साथ उनको एपिलेप्सी की भी बीमारी है, इन बीमारियों से वो मुक्ति चाहते हैं इसलिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं एक व्यक्ति जिनको एसिडिटी सालों साल से है, तो चाहते हैं कि माता मरियम उसको इसे छुटकारा दे। चंगाई चाहते हैं एक व्यक्ति जिनका किडनी स्टोन सर्जरी के लिए वो जा रहा है, तो ये सर्जरी ठीक ठाक से हो। प्रार्थना करते हैं व्यक्ति जिनको ओवेरियन कैंसर हुआ है और अब वो लीवर तक पहुंचा है, प्रभु यीशु के जरिए माता मरियम के मध्यस्थ से उनको इस बीमारी से मुक्तता मिले। प्रार्थना करते हैं व्यक्ति जिनका पूरा परिवार COVID-19 से गिर चुका है, एक बच्चा है जो अब ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी के लिए जा रहा है, तो वह सर्जरी से मुक्त हो जाए और उसको सर्जरी अच्छी तरह से हो जाए। ऐसे ही प्रार्थना करते हैं एक व्यक्ति जिनको अल्कोहलिक और ड्रग एडिक्शन की बीमारी है कि इनको ये बीमारी से उनको मुक्ति मिले। प्रार्थना करते हैं एक व्यक्ति जिनका एक्सीडेंट हो रहा था और पैर को बहुत जख्म हुआ है, टूट गया है, कि वो जल्द से जल्द उनको चंगाई मिले। हम प्रार्थना करेंगे एक नन्हे बालक के लिए, 1 महीना हुआ है, कुछ दिनों से उनको बुखार है, तो वो बुखार से उनको चंगाई मिले इसलिए माता मरियम के चरणों में रखते हैं। इन सब निवेदनों के साथ और धन्यवाद के साथ हम भी हमारे निवेदन माता मरियम के चरणों में रखते हैं। विशेषतः प्रार्थना करें हमारे जो बच्चे हैं, जो बीमार हैं, जो COVID-19 से हमें मुक्ति मिले, वैक्सीन जल्द से जल्द आए, जो डॉक्टर्स वगैरह जो कार्य करते हैं, नर्सेस वगैरह और पूरे गवर्नमेंट के जो स्टाफ लगे हुए हैं, लगातार दिन रात कार्य कर रहे हैं, उनके पर प्रभु का आशीर्वाद हो, माता मरियम का आशीष उन्हें मिले, उनका परिवार सुखरूप रहे। और वैसे साथ ही साथ जिन व्यक्तियों के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए उनके लिए हम प्रार्थना करें, जिन्होंने कहा है कि हमारे लिए प्रार्थना करें उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। और सभी लोगों का दर्द है, दुख है, वो दुख नष्ट हो जाए इसके लिए भी हम माता मरियम से प्रार्थना करें। नवेना की प्रार्थना। हे नित्य सहायक माते, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं, हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। ओ नित्य सहायक माता, हम पर दया कर, हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना, तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारे भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर, हम तक अपना हाथ बढ़ा, हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं तेरे सच्चे सेवक के रूप में, हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं, तो हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ क्योंकि हम तुझे जान न सकें, हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे, हमें पता है तू हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हम पतन के समय डर लगता है, हम शायद पुकार न सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठें, यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए, हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर, हम अपने भगवान से दूर न होवे इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरा गर्भ का फल यीशु। संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमेन। हे नित्य सहायक माता हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमेन। हे संत मरिया अभोगों की सहायता कर विश्वासिन हृदय की सहायता कर उन्हें हंसा जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितन की सहायक बन हर नारे के मध्यस्थन बन वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। आमीन। तू हमारे लिए ही बनी है हे उमा आश्रदाई आवश्यकता और कष्ट में सहाय हो। हम प्रार्थना करें हे प्रभु येसु क्रिस्त तूने अपने माता को हमारी माता बनाया है इसलिए वह हमारी सहायता करने की तैयारी रखती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। Thank you.
बचपन से मुझे याद है मेरे प्यारे भाई और बहनों कि जब हम स्कूल में जाते थे तो हम अक्सर बातें करते थे एक दूसरे से। क्लासरूम में जाएंगे तो टीचर आकर फिर डांटती थी, चुप रहो, और बोर्ड पर वहाँ पर लिखा जाता था कि साइलेंस इज गोल्डन। और इस प्रकार से हमेशा जब भी हम कुछ बोलना चाहते थे तो हमें डांटी मिलती थी या हमें चुप कराया जाता था। और इस प्रकार से हम इसी तरह बढ़ते गए। कई बार हमें लगता है कि हमें बोलना चाहिए, कई बार हमें चुप रहना चाहिए। तो कब बोलूं, कब चुप रहूं, ये एक प्रश्न उत्पन्न होता है। बोलना भी है, चुप रहना भी है। और इसलिए पवित्र ग्रंथ में लिखा जाता है कि सबके लिए समय है। बहारें आती हैं, पतझड़ भी आता है, उसका एक समय होता है। फूल आते हैं, फल आते हैं, इसका एक समय है। समय होता है जब हम जन्म लेते हैं, समय होता है जब हम मृत्यु को हमें गला लगाना पड़ता है। सबके लिए समय है। समय यह है कि समय में हम कभी बोलना चाहते हैं या बोलना चाहिए, और कभी एक समय आता है जब हम चुप शांत रहना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि कैसे बोलूं, कब बोलूं, कब शांत रहूं। प्रभु यीशु के जीवन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु कई बार अपने लोगों से बातें करते रहता था, और बातें करते समय उनको कहता था कि ये उचित है, ये उचित नहीं है, मार्गदर्शन करता था, उनको सलाह मशवरा देता था। फरीसियों सदूकियों को कहता था कि जो तुम कर रहे हो ठीक नहीं है, अन्याय है, तो पाखंडी हो। तो इस प्रकार से इन शब्दों में भी वह उनसे बातें करता था कि जहाँ पर अन्याय है वहाँ पर वो बोलता था कि ये सही नहीं हो रहा है, ठीक नहीं है। जब पिलातुस के सामने उनको खड़ा कर दिया था, पिलातुस ने उससे पूछा सत्य क्या है, तो उसका कोई जवाब नहीं दिया। पिलातुस ने उसको अनेक सवाल किए और ये भी कहा तुम जानते हो कि मुझे शक्ति है, मैं तुम्हें सजा भी दे सकता हूँ या मुक्ति भी दिला सकता हूँ। उस समय यीशु बोलता है कि तुमको ये अधिकार परमेश्वर ने दिया है, आपका कोई अधिकार नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, निश्चित रूप से हमको बोलना भी है और चुप भी रहना है। तो जब जब अन्याय होता है, किसी प्रकार का अन्याय होता है, तो उस वक्त हमें चुप नहीं रहना है, हमें अपनी आवाज़ जो है बुलंद करनी है, हमारी आवाज़ दूसरों तक पहुंचनी चाहिए। कई खेड़े गांव में ऐसा हुआ करता था कि जब हम जाते थे तो कुछ योजनाएं आती थी, जो योजनाएं हैं जो उन गांव के लिए बहुत ही लाभदायक है, तो उनको हम समझाते थे कि यही अच्छा है। कुछ योजनाएं हैं जो प्रश्न चिन्ह होते हैं या उनके लिए हानिकारक हो सकता है, तो उनकी भी जानकारी देते थे। और उनसे कहा जाता था कि आप बोलना सीखना चाहिए, आपका जो विचार है, आपका जो सोच है, वो कम से कम सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। यही पहुंचने के पश्चात वह उस पर विचार विमाई करें और अपना निर्णय को बदल दें, ये अलग बात होती है। लेकिन अब मैं चुप रहूं तो इसका मतलब है कि मैं सहमत हूं। अगर मैं किसी से सहमत नहीं हूं तो मेरा पूरा अधिकार बनता है कि जी हाँ, मैं इसे सहमत नहीं हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है, चुप नहीं रहना है, बोलना है। हम बोलना है जब दूसरों के लिए
इससे बहुत फायदा है, पूरे समाज के लिए फायदा है, तो समाज के भलाई के लिए हमें बोलना चाहिए। बोलना चाहिए जब हमारे पास एक उचित पॉइंट होता है, सत्य होता है, और सत्य के बाजू मुझे रखनी है, या मैं रख नहीं पाता तो एक निर्दोष व्यक्ति बलि चढ़ाया जाएगा, तो उस वक्त मुझे बोलना चाहिए। जब किसी का अपमान होता है तो उस वक्त मुझे खड़ा रहना है, मुझे बोलना है कि ये जो किया है उस व्यक्ति के लिए सही नहीं है, उसका आपने अपमान किया है, बोलना चाहिए। जिनके पास बोलने के लिए आवाज़ नहीं है उनके लिए हम उनकी आवाज़ बनकर लोगों के सामने आवाज़ चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम बोलना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि हमें डर लगता है, डर लगता है कि यदि हम बोलें तो इसका कॉन्सिक्वेंस जम करते हैं, इसका प्रतिकार क्या होगा, हमें डर लगता है। हो सकता है कि मुझे बहुत मुश्किल में मैं पड़ जाऊंगा। सत्य तो है, बोलना है, लेकिन यदि मैं बोल लेता हूं तो दूसरों को अच्छा नहीं लगेगा, वो मेरे खिलाफ आएंगे, मेरे परिवार पर वो कुछ हमला कर सकते हैं, डर लगता है, और इसलिए मेरे मुंह पर पट्टी बन जाती है, मैं चुप रहता हूँ। कभी कभी मुझे सत्य मालूम नहीं है इसलिए मैं चुप रहता हूँ, वो बात अलग है। लेकिन सत्य मालूम होने के बावजूद भी अगर हम चुप रहते हैं तो सही नहीं होगा, हमें बोलना चाहिए, हमारे विचार हमें प्रकट करना चाहिए। और इस दुनिया में काफ़ी लोग चाहते हैं कि हम चुप रहें, ना बोलें, तो वो अपनी मनमानी कर सकते हैं। नहीं, हम समय समय पर अपना विचार प्रकट करना चाहिए, जो सत्य है, सत्य के खिलाफ अगर कोई उस सत्य को दबाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ हमें बोलना चाहिए, सत्य के पक्ष में बोलना चाहिए, और जो असत्य की धारा को लेकर चलते हैं उसके विरुद्ध में भी बोलना चाहिए। तभी हमारी प्रगति, हमारी उन्नति होगी, सबकी उन्नति होगी। यरमयास के जीवन में जो नबी था बाइबल के अंदर, कि प्रभु ने उसको बुलाया, भगवान ने उसको बुलाया कि आओ तुम नबी हो, बातें करो, मैं आपके जरिए बातें करूंगा। और नबी इरायस में कहा कि नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता, मैं तो एक युवक हूँ, मेरा कौन सुनेगा। तो प्रभु ने कहा कि डरो मत, मैं हूँ आपके साथ। तो एर्मेस ने ये जिम्मा लिया कि राजा के सामने जाकर बोलूँगा कि सत्य क्या है। लेकिन राजा के जो बहुत खास लोग थे, वो भी नबी थे, लेकिन वो जो राजा चाहते थे वो ही बोलते थे, जो उनको पसंद है वो बोल लेते थे कि ठीक है, अभी सब कुछ ठीक है, राष्ट्र बहुत अच्छा है, ये जानकारी वो देते थे, तो राजा भी बहुत खुश होता था। लेकिन जब एरेमेस जाता था, कहता था कि नहीं, बहुत गलत हो रहा है, और ऐसे ही अगर आप गलती करते रहोगे तो दूसरे राष्ट्र जो है, बेबीलोन जो है, आपको आक्रमण करेगा और आप उनके कैदी बन जाओगे। और वैसा ही हुआ, बहुत सारे लोगों ने एरेमेस के खिलाफ आवाज़ उठाई, कहने लगा कि ये व्यक्ति बहुत बेकार रखती है, राजा के खिलाफ जा रहा है, राष्ट्र के खिलाफ जा रहा है, उसको हम लोग बंदी गृह में डालना चाहिए। बहुत परेशान में आए एरेमेस, कहने लगा भगवान को, भगवान तुमने मुझे ये स्थिति में क्यों डाला, मैं तो अच्छा था, खासा अच्छा अपना जीवन जी रहा था, इस उलझन में डाल दिया आपने। लेकिन एरेमेस ने हमेशा सत्य की बाजू लड़ी। बहुत सारी परेशानी तो ज़रूर आए उसकी ज़िंदगी में, लेकिन उनको परमेश्वर का आशीर्वाद था, वो जानने लगा कि जो वो बोल रहा है वो उसका वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन वो बोलने लगा। हमारे जीवन में भी प्यारे भाई और बहनों, हमें इसी प्रकार से जीना है। माता मरियम को हम देखते हैं, कभी वो बोली, कभी वो चुप रही,
बोलने लगी। जब वो काना नगरी में गई कि वहाँ पर उनका बस द्राक्षरस समाप्त हुआ, तो कहने लगी यीशु से, कुछ तो करो, द्राक्षरस समाप्त हुआ है। जब उनको ये खुशखबर मिली कि वो परमेश्वर की माँ बनने वाली है, वो जाकर एलिजाबेथ को उन्हें भेंट दी और कहने लगा कि परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या किया, किस प्रकार से जो अपने आप को बहुत अमीर समझते थे वो नीचे गिरा दिया उनको, और जो गरीब है उनको वो उठा रहा है, जो शक्तिशाली है उनको नीचे गिरा दिया है। तो इस प्रकार से वो बोलती थी, कई बार उसके जीवन में वो शांति रहती थी। लेकिन हमेशा हमें ये जानना चाहिए कि कभी मैं बोलूं और कभी मैं चुप रहूं। और जैसे मैंने कहा कि ऐसे समय जब अन्याय होता है तो अन्याय के खिलाफ न बोलना ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि हम उन अपराधियों का साथ देते हैं। आज हम प्रार्थना करें परमेश्वर से कि माता मरियम हमें इतनी सुबुद्धि दे कि हम अपनी ज़ुबान बोलेंगे। आपने हमें एक ज़ुबान दी है, दो कान दिए हैं, ताकि हम कान से अच्छी तरह से सुने और हमारी एक ज़ुबान से हम आपका वचन बोलें। स्मरिका। हे अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं। वो कुमारियों में सर्वश्रेष्ठ माता, तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावन प्रभु, जिसकी दयाएँ असंख्य हैं, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपने दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्दर्शित करो, अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो, अपनी शक्तिशाली बाहों से हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्गराज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। आमीन। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है, उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर, और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक से के दुख से मुक्त कर अनंत सुख भोगने दें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमेन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें, वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें, वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए, वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले, वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, नित्य सहायक माता के मध्यस्थ द्वारा मैं आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पे उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। आमीन।
झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू युगानुयुग जीता राज्य करता है। आमेन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मौल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरज दाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रथापि उद्ग्रहण, धन्य कुमारी माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। Yeah.
पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।